होली की छुट्टियों के पूरा होने के बाद आज जिला प्रशासन, जिला कलेक्ट्री सभी एक बार द्वार सबके लिए खुल गए थे, मगर आज यहाँ एक अलग नज़ारा हमको देखने को मिला। जैसे हम यहाँ पहुँचे तो कलेक्ट्री परिसर में बाहर के पोर्च में दरी बिछाकर एक शख्स बैठे हुए दिखाई दिए, और ये जिस स्थिति में बैठे हुए हैं ये अपने आप में अनेक सवाल पैदा करते हैं, अनेक ऐसे विषय की तरफ हमें ले जाते हैं कि आखिर ये स्थिति यहाँ क्यों आई है। हालांकि अभी जिला कलेक्टर यहाँ नहीं है, मगर हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या विषय है, क्या वजह है जो इनको इस स्थिति में आकर यहाँ बैठना पड़ा। पुलिस FIR दर्ज नहीं की है। क्या मामला, क्या मेरा एक मामला चल रहा था, शिकायत करी थी मैंने पुलिस विभाग 4 भुजा में 8/1/2021 को 2021 को, जिस पर FIR दर्ज नहीं हुई। बहुत समय बाद में FIR दर्ज हुई थी 8/1/2021 को। उसमें मैंने जो गांव के समाज से बहिष्कृत एवं 420 धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने ना तो समाज से बहिष्कृत का मामला दर्ज किया, सिर्फ 420 में मामला दर्ज किया, उसमें भी दूषित अनुसंधान किया जो न्यायालय में चल रहा था। प्रोटेस्ट ली थी, वो न्यायालय में चल रहा था, प्रोटेस्ट खुल गई थी, प्रोटेस्ट चल रही थी, उसमें जो आरोपियों द्वारा अखिल भारतीय पालीवाल ब्राह्मण समाज 44 श्रेणी की एक मीटिंग बुलाई, जिसकी जानकारी मैंने जांच अधिकारी को दी थी कि ये हमेशा को पूरे समाज से बाहर करवाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर बामन टुकड़ा में 3/10/2021 को एक मीटिंग समाज की रखी गई, जिसमें हमारे को बुलाया गया और वहाँ पर हमारे ऊपर दबाव बनाया गया कि आप है जो न्यायालय में जो चल रहा है प्रकरण उसको उठा लो, नहीं तो आप समाज से बाहर, और समाज का बना हुआ कोड वर्ड समाज से बड़े कह करके मेरे परिवार को समाज से बहिष्कृत किया, जिसकी शिकायत मैंने दूसरे ही दिन पुलिस अधीक्षक महोदय को करी, जिस पर भी FIR दर्ज नहीं हुई। उसके बाद मैंने वापस एक शिकायत और दर्ज करवाई, वो भी दर्ज नहीं हुई। फिर दूषित अनुसंधान से संबंधित शिकायत और आरोपों के साथ मिली भगत से समाज से बहिष्कृत करने संबंधित शिकायत मैंने 13/2/2023 को दर्ज करवाई, वो भी दर्ज नहीं हुई है। उस समय प्रशासन से इतना पीड़ित हो गया हूँ, मेरा परिवार मानसिक क्षति झेल रहा है। जब तक FIR दर्ज नहीं होगी मैं यहाँ पर आमरण अनशन करूँगा, जिसमें लहरीलाल दवे द्वारा 12 लाख रुपए की मांग की जा रही है कि तुम्हें समाज में आना है तो तुम्हें 12 लाख रुपए देने पड़ेंगे और पंचों के पैर पकड़ के माफिया मांगनी पड़ेगी। आपके साथ और कितने लोग हैं, आपके परिवार के कितने सदस्य हैं जिनको इससे? मेरे साथ मेरे परिवार के मेरे पिताजी है, मेरी माताजी है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, सभी हम प्रताड़ित हैं। यहाँ आज आप किसी से मिले जिला कलेक्ट्री में? जिला कलेक्टर साहब को मैंने ज्ञापन दिया है और निवेदन किया है कि मैं आज से यहीं पर जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक मैं यहीं पर आमरण अनशन करूँगा। प्रशासन ने क्या कहा आज आपको? प्रशासन ने अभी तक मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला है। कौन सा गांव, कौन सा आपका? 4 भुजा। नाम क्या बताया आपने? सतीश चंद्र पालीवाल। अच्छा, तो प्रशासन और पुलिस विभाग FIR दर्ज नहीं कर रहा, इस संबंध में आपने उच्च अधिकारियों को बताया कुछ? अभी ज्ञापन दिया, लेकिन आज होली की छुट्टी से कोई मिले नहीं है ऑफिस में। अच्छा, अभी आपका अनशन कब तक जारी रहेगा? जब तक FIR दर्ज करके मेरे को प्रति नहीं मिल जाती।